पहले हम सीख भी जाएंगे जो अकबर का पैलेस बना हुआ है। अच्छा, हाथी को यहाँ बांधा जाता था, ये ड्राइंग देख रहे हैं, ये जो टावर है, ये जो टावर बना हुआ है, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी होगी? तो दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं फतेहपुर सीकरी। वहां पे बेसिकली कहते हैं कि एक बुलंद दरवाज़ा है, और बुलंद उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा है वो। किसी भी किले का, जो भी हिंदुस्तान में किले बने, उनमें सबसे मजबूत और सबसे बड़ा दरवाज़ा उसको बताया गया है। तो अभी तक तो किताबों में ही पढ़ा था, आज देखने का सौभाग्य मिलेगा कि बेसिकली बुलंद दरवाज़ा कहते किसको हैं। तो चलिए फतेहपुर सीकरी पहुँच के मिलते हैं। ये आ गई है पार्किंग फतेहपुर सीकरी की। यहाँ गाड़ी लगानी है और यहाँ से करना है ऑटो, जो लेके जाएगा हमें बुलंद दरवाजा। जब आप अपना अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं पार्किंग में, तो आपको कुछ 200 मीटर चलने के बाद आपको यहाँ से CNG बसेस लेनी पड़ती हैं, जो आपको मॉन्यूमेंट तक लेके जाएंगी। फतेहपुर और सीकरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बसेस खड़ी है वहाँ, दो अलग अलग जगह है। पहले हम सीकरी जाएंगे जो अकबर का पैलेस बना हुआ है, और फतेहपुर के अंदर अकबर की मॉस्क और बुलंद दरवाजा, जो एशिया का सबसे बड़ा गेट है। बुलंद मीन्स होता दरवाजा, गेट होता है, करीब 155 मीटर उसका हाइट है। सिटी का नाम फतेहपुर है, फतेह इसलिए फतेह होता विक्ट्री, पुर होता सिटी, लाइक जयपुर उदयपुर, सिटी ऑफ विक्ट्री। सीकरी एक छोटा सा गांव था, इसलिए मिला के फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। तो अकबर ने ये पूरा सिटी अपने गुरु की याद में बनाया था, पीर बाबा की याद में बनाया था। 12 साल किंग अकबर को बनाने में लगा था, 1570 में काम को स्टार्ट किया था और 1582 के अंदर काम को फिनिश कर दिया। 12 साल बनाने के बाद 4 साल अकबर वहाँ से यहाँ रहे थे। 1586 में किंग ने अकबर ने इस सिटी को छोड़ दिया। यहाँ से जाने के बाद सीधा लाहौर गए, लाहौर को अपना कैपिटल बनाया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री था। अकबर का जो फर्स्ट कैपिटल था आगरा फोर्ट था, सेकेंड फतेहपुर सीकरी, थर्ड लाहौर। तो अकबर के तीन कैपिटल थे उस टाइम पर। अकबर यहाँ टोटल 16 ईयर्स रहे थे, 12 साल बनाने में लगा, 4 साल अकबर वासा यहाँ रहे थे। अकबर ने ये बनाने से पहले अपने लिए एक छोटा सा एक महल बनाया था, रंग महल, रंग होता था हैप्पी महल पैलेस, हैप्पी पैलेस। तो हिंदू लेडी जोधबाई ने अपने लड़के को वहीं जन्म दिया था। अभी उस बिल्डिंग को सिर्फ होली मैन के फैमिली के लोग यूज करते हैं। आज भी 16 जनरेशन होली मैन के फैमिली के लोग वहाँ रहते हैं। तो पहले हम पैलेस जाएंगे बाई बस के द्वारा, आप बस में बैठ लीजिए, जब थोड़ी सीट ले आइए। पैर से कुचल के मार दिया करता था। अच्छा, हाथी को यहाँ बांधा जाता था, ये ड्राइंग देख रहे हैं ना, कहाँ पे ये हाथी को यहाँ पे बांधा जाता था। कोई टैंगलिस नहीं होता था, कोई जेल, कोई हैंगिंग वगैरह कुछ सिस्टम ऐसा नहीं था, सीधा ऊपर ही जाता था। वो लोग बिल्डिंग को यूज करते थे, अकबर उस टाइम पे बीच में बैठा करते थे। अकबर के जो 9 मंत्री थे उनके साइडों में हुआ करते थे, बीरबल तो उनके साथ में हुआ करते थे, और बाकी दो तीन सर दो करते चारों साइड में हुआ करते थे। अच्छा, किंग ने उस टाइम पे एक रन स्टार्ट किया था, मैम बीन ए ग्लाइकेट मींस ओनली वन वर्ड, ऑल वर्ड कंबाइंड टुगेदर, दैट्स व्हाई किंग अकबर वन ऑफ द बेस्ट मुगल, वी नो हिज अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट के नाम से जानते थे। जब किंग अकबर 14 साल के थे, जब वो गद्दी पर बैठे थे, यू नो वेरी वेल हाउ टू रूल ऑफ दिस कंट्री। इसलिए अकबर सभी धर्मों को सम्मान करके चले थे, सभी धर्मों को साथ में लेकर चले थे। इसलिए अकबर ने एक यहाँ एक पिलर बनाया गया, पिलर के ऊपर सभी धर्मों के सिंबल बने हुए थे,
ये टॉप पे है ना, हिंदू आर्किटेक्चर बना हुआ, लाइक के लॉर्ड कृष्णा का जो होता है ना गणेश, हिंदू आर्किटेक्चर। ये पर्शियन डिजाइन का जिगजैग बना हुआ लाइन, उसके नीचे जो गोथिक आर्किटेक्चर है चर्च, उसके नीचे एक लाइन आर्च बना हुआ मुस्लिम आर्च, ये हिंदू डिजाइन बना हुआ लोटस फ्लावर, ये मुगल डिजाइन बना हुआ लाइक एक क्राउन जो उमर खैयाम होता था ना उस टाइम पे, हाँ जो वहाँ भी बना हुआ है, हाँ उसमें ब्यूटीफुल कार्विंग बना हुआ डन बाय हैमर एंड चिजल किंग का, में कोई लाइट मशीन वगैरह कुछ नहीं था, पूरा ही हाथ के द्वारा बनाया गया। ये यहाँ का लोकल पत्थर होता है रेड सैंडस्टोन, रेड मार्बल, ये सिंगल स्टोन का बना है, सिंगल स्टोन के अंदर पूरा ये बनाया गया। अच्छा, ये बाहर से देखने में डबल स्टोरी बिल्डिंग लगता है, पूरा सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। अच्छा, ये बाहर से डबल स्टोरी लगती है, अंदर से पूरा सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। पैलेस के अंदर है फतेहपुर सीकरी में, जो आपने आगरा में देखा वो फोर्ट है, फोर्ट में इंक्लूडिंग आर्मी वो लोग रहते थे, पैलेस में सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग रहते थे, जितना भी आर्मी मिनिस्टर्स वगैरह लोग थे बाहर की साइड में रहते थे, अंदर की साइड में सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग रहते थे। ये पैलेस, ये पैलेस है वो आगरा वाला फोर्ट है, वो फोर्ट था उसमें आर्मी भी इंक्लूडिंग था। वन साइड में पानी का झील था, थ्री साइड में सिटी वॉल था, जो आपका कार का एंट्री भी एक बाउंड्री वॉल के अंडर से होगा, जो सिटी वॉल था विद नाइन गेट बना हुआ, अभी काफी मोस्टली टूट चुका है, तो थ्री साइड में सिटी वॉल हुआ करता था, वन साइड में पानी का झील जाके चारों साइड से प्रोटेक्ट हुआ करता था। ये हमाम में ब्लैक डॉम देख रहे हैं उस साइड में, हमाम होता था स्टाइल ऑफ टर्की, वो बाथ हाउस टर्की का, तो यूज करते थे, ये पानी का कलेक्शन हुआ करता था नालियों के द्वारा, बारिश का पानी पूरा पैलेस का पानी टैंक के अंदर जाता था। और ये सीकरी गाँव है सामने जो देख रहे हैं ना, वो सीकरी गाँव है, आज भी स्टोन कटर लोग वहाँ लोग रहते हैं, हाथ की कारीगरी करते हैं, और वो जो बुलंद दरवाजा वगैरह हम देखने चलेंगे वो फतेहपुर है, इसलिए मिला के फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। उस साइड में एक टावर बना हुआ है, एलिफेंट टावर, जो किंग के पास एक हाथी हुआ करता था हिरन नाम का, उस टाइम पे जो भी गिल्टी होता था दोषी होता था हाथी उसको पेड़ से कुचल के मार दिया करता था, तो अकबर ने अपनी हाथी की याद में मेमोरी में एक टावर बनाया था हिरन मीनार, हिरन हाथी का नाम था मीनार टावर। तो उस टाइम पे जो भी लोग ट्रैवलिंग करते थे बाई वॉक ट्रैवलिंग करते थे, तो वहाँ पे एक होटल टाइप का कार्वन सराय बना हुआ है, तो व्यापारी लोग वहाँ स्टे करते थे नाइट, तो वहाँ ये जो टावर है, ये जो टावर बना हुआ है जो सामने दिख रहा है, बिल्डिंग कितनी पुरानी होगी? ये करीब 500 साल पुराना है, 1570 में काम को स्टार्ट किया गया था, 1582 के अंदर काम को फिनिश कर दिया, 12 साल बनाने में लगा था, 12 साल इसको बनाने में लगा, हाँ दोनों जगह को, फतेहपुर और सीकरी को, दोनों को बनाने, दोनों जगह। ये अकबर का खजाना महल हुआ करता था, कौन सा खजाना महल, अंदर की साइड में छोटे छोटे लॉकर्स वगैरह बने हुए, उस टाइम तक किंग गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी वगैरह जो होता था अंदर की साइड में रखते थे, अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं, ज्वेलरी रखते थे यहाँ पे, अकबर की करीब 350 से ज्यादा दासी होती थी, 350 मोर, सरकारी तो 3 थी, प्राइवेट तो बहुत ही, अकबर के 9 मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर थे एस्लोजर, वो अकबर उनसे एडवाइस लिया करते थे कौन से दिन कौन सा कलर का ड्रेस वगैरह, कौन सा लकी नंबर वगैरह एडवाइस लिए, क्योंकि अकबर मुस्लिम थे, क्योंकि मुस्लिम सिर्फ अल्लाह में बिलीव करते थे, मगर अकबर सभी धर्मों को सम्मान करते थे, इसलिए सभी तरह का वो एडवाइस लेते थे। ये पूरा ब्यूटीफुल जैन आर्किटेक्चर में डिजाइन बना हुआ है, जब ब्रिटिश लोगों का साम्राज्य था तो वहाँ से ब्रिटिश रूबी वगैरह निकालने लगा, ये क्रोकोडाइल का बैग वगैरह का डिजाइन बना हुआ है, जो घंटी मंदिरों में घंटी वगैरह टाइप का होता ना उस टाइप का ये डिजाइन बनाया गया, और ऊपर की साइड का जो आर्किटेक्चर पूरा जैन आर्किटेक्चर का बनाया गया, तो इनका ये छतरी था, हाँ स्टॉन्स वगैरह काफी लगे हुए थे उस टाइम पर, उस टाइम पर स्टॉन्स वगैरह तो ऐसे लगाए जाते थे ऐसे कोई नॉर्मल चीज वो लगा रहे हैं, और मार्बल ऐसे यूज होता था ऐसे कोई नॉर्मल पत्थर को यूज कर रहे हैं, ताजमहल में भी काफी स्टॉन्स वगैरह लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं ताजमहल में, तो अभी वो ऊपर की तरफ लगे हुए, मगर रियल जो डायमंड्स वगैरह गेट के ऊपर लगे हुए थे, हाँ। जो उस टाइम पे जो गेट हुआ करते थे सिल्वर के हुआ करते थे, उनकी जो कीलें होती थी गोल्ड की हुआ करती थी, तो वो
वो सब वो ब्रिटिश लोग जो उस टाइम पर धीरे धीरे सब निकल गए। ये 5-story बिल्डिंग है, पंच महल बोलते हैं, पंच होता तो 5 महल पैलेस, 5-story बिल्डिंग है। अच्छा जो आर्किटेक्चर दे रखा है ना, चाइनीज आर्किटेक्चर दे रखा है, पगोड़ा पगोड़ा आर्किटेक्चर इसलिए दे रखा है कि जो मुगल डायनेस्टी थी ना जंजिस खान के द्वारा थी, इसलिए चाइनीज आर्किटेक्चर बना हुआ मठ की तरह। अकबर ऑन द टॉप अपनी रानियों और दासियों के साथ में वहाँ आराम करते थे, इसलिए हम इसे हवा महल भी बोलते हैं, क्योंकि चारों साइड से खुला हुआ ठंडी हवा आती थी, क्योंकि वहाँ पानी का झील था, झील के द्वारा काफी ठंडी हवा आती थी। हवा महल इसलिए बोलते क्योंकि अगर अपनी दासियों के साथ में आराम करते थे। एक हवा महल अपने जयपुर में बना हुआ है, वो हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ, क्राउन ऑफ कृष्णा, ये चाइनीज आर्किटेक्चर में बना हुआ है। अच्छा वहाँ अकबर अपनी दासियों के साथ में आराम करते थे, क्योंकि अकबर के पास तो काफी दासी थी, सब दासियों को ले नहीं जा सकते थे, तो अकबर 4 दासियों के साथ में वहाँ आराम करते थे। दासियों को ले जाने से पहले अकबर एक गेम खेला करते थे, लूडो, बीच में एक गेम बना हुआ है वहाँ पर लूडो, अभी हम वहाँ जान के देखेंगे। ये बिल्कुल गेम है लूडो, शतरंज में बोलते हैं, किंग उस टाइम पे बीच में बैठा करते थे, वो किंग सीट है, किंग अपनी दासियों के सामने ये गेम खेला करते थे। करीब 350 ज्यादा दासी होती थी, दासी हरम लेडीज, उनमें से वो 16 दासियों को लेते थे, डिफरेंट कलरफुल ड्रेस के साथ में वो लोग होते थे, उनका अपने डाइस होता था, डाइस को वो फेंकते थे, उसके हिसाब से गर्ल्स मूव करती थी, डांस करती थी, जो भी गर्ल्स जीतती थी अकबर उनको इनाम वगैरह देते थे, कुछ लोगों का मन नहीं, उनके साथ में आराम नहीं करते थे। कुछ नहीं होता, तो ये गेम तो उनका एंजॉय करते।